भाइयों आपको हम मिलाते हैं जो थ्रेसर लेने के लिए, पेडी थ्रेसर लेने के लिए किसान भाई गांवों से और बड़ी दूर दूर से आए हैं, उनसे मिलाते हैं हम। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार। तो कहां से आप इसे लेने के लिए आए हो? हम आए हैं मलियाबाद से। अच्छा, तो ये बताइए ये पेडी थ्रेसर क्यों लेना आए हो आप? ये और कंपनी की तो बतेरी है जी, हम इसको 10 साल से चला रहे हैं। अच्छा, गेहूं वाली चलाते थे पहले? सुपर वन लगा, नंबर वन। अच्छा, बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट। बैरिंग सैरिंग तो नहीं तोड़ती इनकी मशीन? कुछ नहीं, बिल्कुल नंबर वन चलती है। अच्छा, क्योंकि किसान भाई आप पे विश्वास करें, किसान हो आप, इसमें हर चीज बहुत क्वालिटी की, बहुत मजबूती से बनी, बढ़िया मजबूती है। गारंटी वारंटी बढ़िया देते हैं? पूरी गारंटी। मिस्त्री आ जाते हैं इनके, जैसे कुछ खराबी हो जाए तो मिस्त्री वगैरह आते हैं काम पे आपके, जो जैसे चल रही है तो तुरंत देते हैं ये लोग। अच्छा, बढ़िया लगी मशीन लगी आपको? बढ़िया लगी। आप बताइए साहब जी। हम अख्तियारपुर तक आए हैं। हाँ, और पहले भी इनसे संपर्क करके गए थे। अच्छा, मैं मशीन लेने गए, पेडी थ्रेसर, ये धान वाली मशीन? धान वाली। अच्छा, और आज मैं दोबारा इनसे संपर्क करने के लिए आया हूँ। अच्छा, मशीन के बारे में, मशीन लेने के लिए आए हो? लेने के लिए। अच्छा, तो बढ़िया, पहले गेहूं वाली मशीन चला रहा हूँ, कौन सी गेहूं वाली मशीन चलाई पहले? अच्छा, वो अच्छी चली, और अब भी मन यही कर रहा है इनकी मशीन खरीदूं। अच्छा, तो किसान साथियों आपने किसान भाइयों की राय देखी, मैं आपको सीधे किसान भाइयों से ही मिलवाता हूं। आगे आपको मैं इस थ्रेसर की क्या खूबी है, क्या तारीफ है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपका अपना मैं निरंकार शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आपको मैं हर तरह की एग्रीकल्चर की वीडियो दिखाता रहता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं पेडी थ्रेसर मशीन। पैडी थ्रेसर मशीन किसान साथियों, धान का सीजन आने वाला है जिसमें किसान साथियों को पैडी थ्रेसर की मशीन की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, आपको मैं बहुत ही सुपर कंपनी है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो किसान भाइयों उस पर भरोसा कर सकते हो। शानदार कंपनी मैं आपको, मेरे ये रहती है कि मैं आपको अच्छे ही एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट दिखाऊँ, बढ़िया, जो जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ सुपर डिलक्स पैडी थ्रेसर मशीन। ये आपको देखेंगे आप, इनका पूरी कंपनी का नाम है सुपर डिलक्स एग्रीकल्चर गुड्स, ये इनकी कंपनी का नाम है। तो इनका जो ब्रांड नेम है सुपर डिलक्स पैडी थ्रेशर। तो किसान साथियों, आगे आपको हम दिखाएंगे क्या इसकी तारीफ है, कैसे काम करती है पैडी थ्रेशर, और पूरी जानकारी इसकी जानकारी देंगे। तो ये संभल में पड़ती है राय शक्ति पर। तो किसान साथियों, और जो है पूरी जानकारी इसकी हम दिखाएंगे। ये आपको देख पा रहे हैं पुराल का, ये मिसाइल है, मिसाइल। हाँ, मिसाइल है ये। तो सबसे पहले भाई जी, आपका परिचय हमारे किसान भाइयों को, जो हमें कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, उनका परिचय कराइए। मेरा नाम सलीम बाबू है जी, थोड़ा सा कैमरे की तरफ। मैं इसका सुपर डिलक्स थ्रेसर का मालिक हूँ, और ये थ्रेसर हमने तैयार करी है स्पेशल धान के लिए जी। तो ये कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या नए आपने इसमें फ्यूचर दिए हैं, इसकी जानकारी दीजिए। फ्यूचर इसमें, एक तो हमने जी जी, हमारी ये ISI थ्रेसर है, और हमने इसके अंदर एक तो ये मिसाइल लगाया है। अच्छा जी। हाँ, मिसाइल। मिसाइल का क्या काम है भाई इसका? मिसाइल का काम ये है, इससे जैसे धान निकलती है जी, पराल निकलती है जी, पराल फोर्स के साथ निकलती है, लंबी मारती है धारी, फेंकता है। अच्छा, तो और जैसे इसका फैन वगैरह की बात करते हैं? इसमें तीन फैन लगे हुए हैं। अच्छा, तीन फैन लगे हुए हैं, और एक फैन जो है, ये पहला फैन जो है जी, फैन के साथ वाला फैन जी, ये हमने थोड़ा मोड़ कर लगाया है। तो जैसे ये इसका फोर्स जो प्याल पर पड़ता है तो दूर पड़ती है। नहीं, मैंने जो वैसे सीधे देखे हैं जी, जी, आपने इसमें कुछ अलग ही एडवांस काम किया जी, है जी, जी, इसका क्या कारण है, मतलब करने का? इसका फोर्स जो है ना, इसके प्याल पर पड़ेगा। अच्छा, और दूर जाएगा प्याल, दूर जाएगा। और इन दो फैनों की बात करते हैं जी, ये दोनों फैन जो है कचरा उठाने का काम करते हैं। अच्छा, ये कचरा उठाने का काम करते हैं, जैसे कि धान में कचरा रह जाता तो ये वो उठा देते हैं, बिल्कुल धान बिल्कुल क्लियर आता है जी। तो हमने कई थ्रेसर में देखा है कि जैसे क्या वो धान निकाल लिया तो गंदगी ज्यादा आती है। अब इसकी आपकी क्या तारीफ है थ्रेसर की, बताइए। इसमें हमने तीन फैन लगाए हैं थ्रेसर में। अच्छा, तीन फैन लगाए हैं, तो ये फैन जो है जो कचरा बिल्कुल रह जाता वो भी साफ कर देता है। अच्छा, तो इसमें धान कहाँ से निकलेगा इसकी, बताइए। धान यहाँ से निकलेगा, धान यहाँ से आएगा, है? निकलेगा। ये दो फैन लग रहा है पीछे। अच्छा, कचरा बिल्कुल साफ कर देंगे। कचरा बिल्कुल साफ करने के बाद में ही धान इधर साफ करके इधर आएगा। मैंने डेमो आपको दिखाया है अपने थ्रेसर का। अच्छा, हाँ, वो डबल फैन वाली थ्रेसर का डेमो है जी, ये तीन फैन वाली थ्रेसर का। अच्छा अच्छा जी। तो ये क्या आप नए अपने इसमें फीचर लगाए हैं क्या? ये इसका ब्लोअर फैन है जी। जी जी, ये जो है जैसे पोटास आती है, हल्के धान बेकार वाला धान होता है। अच्छा, ये उसमें से खींच लेता है, उड़ा देता है उसको धान पे से। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए इसकी लंबाई चौड़ाई आपने कितनी रखी है? जैसे हम देख पा रहे हैं काफी अच्छी आपकी लंबाई चौड़ाई है, कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी? ये इसकी 11 फीट लंबाई है। हाँ, और 4.5 फीट चौड़ाई है। अच्छा, 4.5 फीट इसकी चौड़ाई है।
अच्छा, बेल्डे वेल्डे कैसे लगाते हैं, कौन से कंपनी की आप बैरिंग इसमें यूज करते हो आप? सी क्लास के बेल्टे यूज करते हैं और वो भी ISI। अच्छा, वो भी ISI ISI। और ये जैसे क्या मान के चलो थ्रेसर चल रही है, सीजन के समय है काम, तो उसमें बैरिंग वगैरह तोड़ती हैं थ्रेसर, तो आपके इसमें कौन सा थ्रेसर लगाते हो? तो हम बैरिंग इसमें ISI बैरिंग लगाते हैं, UCP। अच्छा जी, UCP बैरिंग लगता है और ये हम इसका कवर करते हैं ताकि कपड़ा उपड़ा ना आए। अच्छा, इसकी सेफ्टी के लिए कवर भी लगा हुआ है। जी जी, टायर वगैरह इसमें आपके कौन से यूज करते हो? धुरा वगैरह, धुरे की दूरी इसमें क्या रहती है? ये 50 mm धुरा है इसका, मोदी के टायर हैं इसके। जी जी, जीप वाले टायर डालते हैं 600 लगे। अच्छा, 600 लगे इसमें डालते हो? जी जी जी। अच्छा, इसमें ISI, किसान साथियों देख सकते हैं आप, ISI द्वारा ये प्रमाणित है और 2021 का मॉडल आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो यहां से दो आदमी जी, जैसे ये आपका ये हो गया, इस पर इसकी कितने भार की, कितना भार सामान लेती है लगभग ये? ये 3-4 दो आदमी उसमें लगा सकते हैं? बहुत आराम से 3 आदमी भी कम पड़ जाते। अच्छा, 3 आदमी भी चढ़ के लगा सकते हैं, इसके बारे में बताइए जी। मुठ्ठा जी, हम मुठ्ठा लगाते हैं इसकी, मशीन की खिंचाई है, 3 आदमी भी कम पड़ जाते हैं, खिंचाई बहुत है मशीन। अच्छा, बहुत खिंचाई है इसकी? हाँ, जो है बहुत खिंचाई करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि आप कोई से आपको विश्वास कर ले लेने के लिए, क्योंकि बढ़िया काम है आपका, तो कितने HP के ट्रैक्टर पर ये थ्रेसर काम करेगा आपका जो है? ये इसमें ज़्यादा लोड नहीं, तो 35 HP का ट्रैक्टर जो है। अच्छा, आराम से काम कर सकता है? आराम से काम करता है, 1600-1735। अच्छा, जैसे हम इसके आगे आगे ट्रैक्टर में लगा देखा, मैं इसका हिचकी सिस्टम बिल्कुल अलग ही देख पा रहा हूँ। इसमें आपने हिच का सिस्टम अलग ही कर दिया आपने, ये बताइए। ये जी 90 एंगल की हमने बिल्कुल बहुत अच्छी वाली कपलिंग सपोर्ट लगाई है। अच्छा, 90 एंगल पर होता है। अच्छा जी, अच्छा, खड़े खड़े भी तरह से चलते रहता है, छुटाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपका धान निकल गया कहीं जाना आपको, जी जी, तो आप जो, और सर ये इस लुक की बताइए कि ये जैसे ये हमने लगा रखा है, हमने यहाँ पर जैसे जैसे कुंडा लगता है ना अलग। अच्छा, तो पलट जाती थी सर सर। जी जी, अब हमने इसमें ही बहुत मोटी प्लेट लगाई है, 1 इंची की प्लेट लगाकर हमने बेल्डिंग करा, हिच इसमें प्लेट से ही बना दिया, इसमें थ्रेसर पलटती नहीं है। अच्छा, वो कितनी बेल्टों के साथ सर आप ये देते हो? 4 बेल्टों के साथ थ्रेसर देते हैं हम, देखो, और ये सब ISI पुली भी ISI जी, और बेल्ट भी ISI मैन्युफैक्चर से देते हैं। जी जी, और ये हमारा व्हील है स्पेशल, 1 क्विंटल 25 किलो का इसमें वजन होता है एक व्हील में, और 2 व्हील लगे हुए होते हैं। अच्छा अच्छा जी जी, स्पेशल व्हील तैयार। ये रूडर जो आप इसमें लगाते हो, इसमें कौन सा लगाते हो इसमें, इसके अंदर जो रूडर होता है ये भारी? ये इसमें टाटा का एंगल लगाते हैं, बहुत शानदार वाली। अच्छा, का पट्टा लगाते हैं। लोहा कौन सा यूज करते हो आप इसमें? टाटा का। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कोई किसान भाई आपसे इसका पसंद आ रहा है आपको लेने के लिए, तो आपसे कैसे संपर्क करें, और आने का पता क्या रहेगा, कितने अमाउंट उसे एडवांस देना होगा, इसकी जानकारी दीजिए भाई। एडवांस तो कम से कम 25,000 तो एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो कोई मशीन मांगता है। अच्छा, टोटल थ्रेसर कितने रुपए का है ये? 1,80,000 का थ्रेसर है। अच्छा, 1,80,000 रुपए का है। जैसे कोई आपसे यहाँ आपकी फैक्ट्री में यहाँ पर आना चाहे, तो वो किस प्रकार से आ सकता है, इसकी जानकारी दीजिए भाई। आ सकता है, ऐसा मान लो अगर वो जी बाई कार आना चाहता है जी, तो सीधे संभल जी, और संभल से जो है रोड पर हमारे ये वर्कशॉप में। अच्छा हाँ, राय शक्ति संभल में, संभल में। अच्छा, तो सर जी कोई आपसे बातचीत करना चाहे, तो नंबर क्या है, क्या क्या है आपके? हाँ, बताइए। नंबर मैं बताता हूँ जी, ये नंबर है 94126 जी 35295 जी, दूसरा नंबर है 98374 जी 77304 जी। इन नंबरों पर आपसे संपर्क कर सकता है। अच्छा, तो इसकी सप्लाई जैसे आप भारत में कहाँ कहाँ देते हो, जैसे किसान भाई आपसे? हमारी बहुत पूर्वी यूपी में जाती है, इधर बहराइच में जाती है, नेपाल में जाती है। अच्छा, विदेश में भी देते हो? बनारस जाती है। अच्छा, और साहब नेपाल, मध्य प्रदेश में भी देते हो? नेपाल भी जाती है, मध्य प्रदेश में रीवा में जाती है, और कुराव जाती है जी, और कुराव से आगे रीवा पड़ती है, वहाँ पर जाती है थ्रेसर हमारी। अच्छा अच्छा, कानपुर साइड में भी जाती होगी? कानपुर साइड में भी जाती, कन्नौज वगैरह इधर सब ये क्षेत्र हो गया। बिल्कुल, फतेहपुर, कानपुर, मऊ जी, गाजीपुर, सब जगह बिकता हमारा थ्रेसर, आजमगढ़ और अकबरपुर, सब जगह बिकता था जी। तो किसान साथियों, आपने मालिक की तो बात सुन ली, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है, अब आपको हम उनकी बात बताते हैं जो इस मशीन को बनाते हैं। इंजीनियर है हमारे साथ, भाई जी आपका सबसे पहले परिचय लेना चाहूँगा मैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान जी, जी। तो आप इस मशीन को कब से बना रहे हो, आपका क्या अनुभव है, कब से बना रहे हो? ये 10 साल से बना रहे हैं। आप 10 साल से बना रहे हो? आपकी टीम के कितने सदस्य हैं लगभग? कम से कम है 22-25 लोग। अच्छा, 22-25 लोग हैं, सब अनुभवी हैं, सीखे हुए हैं सब जी, कुछ बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ली है आपने लोगों ने? ये पंजाब से ली है जी। पंजाब से ली है, पूरी प्रक्रिया आपने इसमें की है? अच्छा, कई कई साल से लड़के काम कर रहे हैं जी, तो इसमें आप बताइए अपना अनुभव, क्या क्या कुछ इसमें अलग लगाते हो आप? आइए जी, ये हमने 3 फैन लगाए हैं जी जी, और ये
पहला फैन जो है इसको फोकस देता है ये। अच्छा, प्याल कम से कम इसकी 30 से 35 फीट दूर जाती है। अच्छा, 30 से 35 फीट दूर ही जाएगी जी। ये नोट करने वाली चीज है किसान साथियों, काफी दूर चीज जी ये डालते हैं। बिल्कुल जी, आगे बताइए। पैरा जो है तोड़ती नहीं है। अच्छा, तोड़ती बिल्कुल, धान को तोड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, धान भी नहीं तोड़ेगी, पैरा भी नहीं तोड़ेगी। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भाई जो है कुछ किसान भाई कहते हैं कि जो कोई माचिस रख के नहीं दिखाता थ्रेसर की अपने, कोई ग्लास की बड़ी मांग होती है किसान साथी हमें कमेंट करते हैं, तो आप बताइए आपका कैसे कैसे आपने ये है। देखिए हमारी मशीन में बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होता। अच्छा, अभी आपको पानी का गिलास रख के दिखाया। हाँ, माचिस की डिब्बी भी रख के दिखाई है जी जी। और पहली बात तो हमारा बैलेंस जो होता है 1 क्विंटल 40 किलो का एक होता है। अच्छा जी जी, इसमें पूरा आप दिखाते हो हैं जी? हाँ। अच्छा, और पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है बंद तैयार होने के बाद में फिर हम इसको चला के चेक करके तब इस पर रंग पे लेके जाते हैं जी। इससे पहले हम जो है पूरी अपनी देख रेख तसल्ली करने के बाद जी में जी। तो किसान साथियों आज आपने देखी सुपर डिलक्स पैडी थ्रेसर, बहुत ही नामी ग्रामी पैडी थ्रेसर है संभल का, इस पे आप विश्वास कर सकते हो। मेरी लगातार इनसे मांग थी कि भाई जी हमें अपनी पैडी थ्रेसर का वीडियो बनाने के लिए आप हमें बताइए, तो इनके काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज इन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारी जो है पैडी थ्रेसर किसान भाइयों को दिखाइए। तो आइए आगे मैं आपको जो है इनकी जो वर्कशॉप भी दिखाऊंगा कि इनकी वर्कशॉप में कैसे कैसे काम होता है, किन मशीनों से काम होता है। वीडियो पर बने रहें, जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आपको मैं दिखाता हूँ इनका कारखाना, देखिए यहाँ से कारखाना शुरू होता है। ये मशीनें हैं जो मशीनों को उनके जो है लोहे को पीट कर सही करती हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से एक अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, इस समय ये माल तैयार है और आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हर तरीके का माल तैयार किया जाता है, लड़के यहाँ पर बहुत अनुभवी लड़के काम कर रहे हैं। ये मशीन का आपने देखा होगा पूरा बना रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है। देखिए यहाँ पर ये इसका बॉक्स बनाया जा रहा है, आपको पूरी तरीके से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये इसका दूसरा बॉक्स बना रहे हैं, और ये आप देख पा रहे हैं इसका बने हुए, क्या बोलते हैं भाई जी इसे, जिसे जाली है, ये हमारी जाली है थ्रेसर की। यहाँ पर ये थ्रेसर मशीन तैयार हुई हैं, ये थ्रेसर मशीनें तैयार हैं, बिल्कुल जो है पेंट होकर ये तैयार हैं। काफ़ी मांग किसान भाइयों की आ रही है, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको जो तैयार हुई हुई थ्रेसर है। ये देखिए तैयार होकर मशीन तैयार है, पेंट को रेडी है बिल्कुल, ये मशीन पर पेंट होगा, इसकी जो है पूरी ये चेकिंग इसकी मशीन की जाएगी कि किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, कुछ भी इसमें कमी होगी तो ये इसमें सुधार किया जाएगा। ये तैयार है बिल्कुल, इसमें ट्रैक्टर पे इसे चला कर देखा जाएगा, पूरी इसकी जो है एक तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में ही तभी ये किसान भाइयों को दी जाएगी। देखिए ये आपको दिखाई जा रही है, इस पर पेंट होगा तभी, जबकि इसमें जो है इसकी पूरी जाँच इसमें कर ली जाएगी। यहाँ से आगे दिखा देता हूँ मैं। तो किसान साथियों मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। दावा करते हैं सुपर डिलक्स एग्रीकल्चर गुड्स वाले की गिलास हम थ्रेसर पर रखेंगे और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, और उसकी देखिए आपके सामने गिलास इनके सामने है और ये रखकर दिखाएंगे। तो भाई जी रखकर दिखाओ एक बार, आपके सामने थ्रेसर चल रही है लगातार, आप देख पा रहे हैं। देखिए कुछ भी आपको मैं पास से दिखा देता हूँ, देखिए कोई असर इस पे गिलास पे नहीं हो रहा है। अक्सर आपने देखी होगी, देखो ये चल रही है, देखो ये थ्रेसर चल रही है। जितने चक्रों पर थ्रेसर गेहूं के समय या पेड़ी थ्रेसर पर चलती है उसी प्रकार से ये थ्रेसर मशीन चल रही है, आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए इधर ये देखिए ये पंखा चल रहा है, इधर ये पंखे की आप देख पा रहे होंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ पीछे, देखिए पीछे भी गिलास रखा हुआ है, बहुत ही शानदार थ्रेसर मशीन मुझे लग रही है पेड़ी थ्रेसर की स्पेशल। यहाँ से पुराल निकलती है और जो चक्करों पर जिस प्रकार से क्या चलती है खेत में उसी प्रकार से चक्कर किसान भाई ने हमें जो मशीन के जो मालिक हैं उन्होंने किए हैं। किसान भाई भी यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं, देखिए देखने के लिए ये मशीन लेने वाले आए हुए हैं यहाँ पर। तो आपको मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ इस थ्रेसर मशीन। ये सामने आप माचिस देख पा रहे हैं, माचिस अभी ये थ्रेसर पर रखेंगे और इसे दिखाएंगे। रख दो भाई जी कि माचिस बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है, देखिए पूरे चक्कर हैं जिस प्रकार से थ्रेसर चलती है जिन चक्करों पर वही चक्कर हैं, और आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मशीन चल रही है। संभल यूपी से आपको ये थ्रेसर मशीन मिल जाएगी। आगे देखते हैं वीडियो।